हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप सभी सुन रहे हैं कुणाल की हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं मुर्दों का स्कूल की बिल्कुल खौफनाक कहानी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी को। विजय अभी 18 साल का था। उसे अच्छे बुरे के बारे में क्या मालूम। वो जिस स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। 10 साल हो चुके थे उस स्कूल को बने। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले एक महीने से स्कूल की तीसरी मंजिल पर बने एक क्लासरूम में सब बच्चों को दौरे पड़ने लगे। यहाँ तक कि जो भी टीचर उस क्लासरूम में आता वो भी बीमार पड़ जाता। एक अजीब बात यही थी कि क्लासरूम से बाहर निकलते ही सब ठीक हो जाते। ये बड़ी अजीब बात थी। सभी ने अपना शारीरिक परीक्षण कराया, लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आता। सब इस अजीबोगरीब परिस्थितियों से सब परेशान हो चुके थे। एक वक्त ऐसा आया कि उस क्लासरूम को हमेशा के लिए बंद करा दिया गया, उस पर ताला लगा दिया गया। लेकिन किसी को क्या पता था, ये सब बुरी आत्माओं की वजह से हो रहा था। रात के वक्त उस स्कूल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड को उस कमरे की लाइट जलती बुझती दिखाई देने लगी। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड डर गया। ये बात उसने किसी को नहीं बताई, लेकिन कई रातों को यही सिलसिला होते देख उसने हिम्मत करके वो स्कूल की उस मंजिल पर गया जिस रूम में लाइट जल बुझ रही थी। वो उस रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था कि अचानक क्लासरूम के अंदर से एक लंबा हाथ आया और उसने उस सिक्योरिटी गार्ड के गले को पकड़ लिया। फिर चिल्लाने और डरावनी आवाज़ें आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड की दम घुटने से मौत हो गई थी। अगले दिन सुबह जब स्कूल में बच्चे और टीचर आए तो देखा स्कूल गेट पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। सबको शक हुआ। स्कूल की बिल्डिंग को छाना गया तो सबने देखा तीसरी मंजिल पर उसी क्लासरूम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की लाश पड़ी हुई थी। लाश की आंखें फटी हुई थी। उसके चेहरे पर बड़े-बड़े नाखूनों के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी जंगली जानवर ने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया हो। लेकिन शहर में बने स्कूल में जंगली जानवर कहाँ से आते? ये सब बात सोचकर सभी अचंभित थे। तभी एक विद्यार्थी की नज़र रूम के दरवाजे पर पड़ी जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। ये जगह खाली कर दो वरना सब मारे जाएंगे। देखते ही देखते दरवाजे पर लिखा शब्द अचानक गायब हो गया। सिक्योरिटी गार्ड का अंतिम संस्कार किया गया। दहशत के कारण कुछ दिनों तक स्कूल को बंद कर दिया गया। कुछ महीने बाद जब स्कूल को दोबारा खोला गया तो सब उस बात को एक खौफनाक सपना समझकर भूल गए। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन क्लास में पढ़ाई करते वक्त सबको डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। सब बच्चों और टीचरों को लगता कि उनके अगल बगल कोई बुरी आत्माएं टहल रही हैं। स्कूल के प्रिंसिपल को भी जब ये सब महसूस होने लगा तो उन्होंने एक तांत्रिक को स्कूल में बुलाया। उस तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों की मदद से स्कूल की बिल्डिंग पर कई आत्माओं के साए को देखा जो बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहे थे। तांत्रिक ने प्रिंसिपल से यही कहा, जितनी जल्दी हो सके इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दो। ये स्कूल नहीं, एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के ऊपर ही ये स्कूल बनाया गया है। अगर बच्चों को बचाना चाहते हो तो इस स्कूल को छोड़ दो।
ऐसा बोलते ही वो तांत्रिक उल्टे पांव उस स्कूल से बाहर निकल गया। प्रिंसिपल यही सोच रहे थे कि एकदम से स्कूल को कैसे छोड़ा जा सकता है। इस स्कूल में हजारों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। निर्णय लिया गया कि स्कूल की दिनचर्या शुरू होते ही स्कूल में वैदिक मंत्रों का उच्चारण टेप रिकॉर्ड पर धीमी आवाज से चला दिया जाएगा। जब तक स्कूल की छुट्टी ना हो तब तक स्कूल की बिल्डिंग की तीनों फ्लोर पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए स्पीकर लगा दिए गए। लेकिन एक दिन स्कूल में पढ़ाई चल ही रही थी कि अचानक से धमाकों की आवाज़ें आने लगी। पूरा स्कूल डर से थरथर कांपने लगा था। स्कूल के कर्मचारियों ने देखा स्कूल में लगे सब स्पीकर जल चुके हैं। उनमें से ही धमाकों की आवाज़ आई थी। तभी स्कूल को खाली कर दिया गया। कुछ महीनों के लिए फिर से स्कूल को बंद कर दिया गया और ऑनलाइन क्लास करा दी गई। वैसे भी उन दिनों लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उनमें से एक विद्यार्थी विजय, जिसका हाल ही में इस स्कूल में एडमिशन हुआ था, विजय के पिता तांत्रिक थे। उन्होंने कड़ी साधना करके असुरी शक्तियों को अपने वश में कर लिया था। अपने पिता से विजय ने थोड़ी बहुत शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी, लेकिन अभी वो इस विद्या में पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं था। जब विजय को पता चला कि इस स्कूल में भूत प्रेतों का साया है, तो उसने निश्चय किया कि वो एक रात इस स्कूल में बिताएगा और तंत्र साधना करके आत्माओं को बुलाकर उनसे बात करेगा। इसलिए उसने पूर्णिमा की एक रात पहले अपने घर में कह दिया कि वो कल अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएगा। पूरी रात उसके घर पर ही बिताएगा। फिर क्या था, उसने अपने कपड़े और तंत्र साधना में उपयोग होने वाली सामग्री अपने बैग में रख ली और अगली रात को वो स्कूल की उसी तीसरी मंजिल पर साधना करने पहुंच गया। स्कूल का गेट खुला हुआ था। उस स्कूल में भूत प्रेतों की वजह से कोई आता जाता नहीं था। रात को कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रुकता था। इस वजह से विजय को स्कूल में प्रवेश करने में कोई परेशानी नहीं हुई। विजय ने भूतिया कमरे के बाहर एक बड़ा सा हल्दी से घेरा बनाया और उसके चारों ओर मोमबत्ती जलाई। विजय उस घेरे में बैठ गया और हवन में आहुतियाँ डालने लगा। आत्माओं को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। रात के 12 बज गए थे, तभी विजय को एक लाल कपड़ों में तैरता हुआ एक औरत का साया नजर आया। विजय ने उस साये से कहा, मुझे पता है तुम मेरे आसपास हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारी मौत कैसे हुई? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरे सामने आओ। उस साये ने कहा, चले जाओ यहाँ से। वो साया विजय की तरफ आने लगा। विजय भी थोड़ा पीछे हटा और उससे बोला, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, सिर्फ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उस साये ने कहा, तुमने सुना नहीं, चले जाओ यहाँ से, वरना मरने के लिए तैयार रहो। विजय ने हवन सामग्री अपने हाथ में ली और उसमें कुछ तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए उस साये के ऊपर फेंक दिया। वो साया क्रोधित हो उठा। वो औरत का साया चिल्लाता हुआ आया और विजय के शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब विजय काफ़ी दिनों तक घर नहीं आया, तो उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, लेकिन उसका कुछ पता ना चला। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। तब विजय के पिता ने तंत्र साधना का ध्यान लगाकर देखा, तो उनको दिखाई दिया कि वो स्कूल में भूत प्रेतों के बीच में है। आत्माएं उसको उसी का मांस खिला रही हैं और उसे दर्द भी महसूस हो रहा है। तभी विजय के पिता सभी को लेकर स्कूल पहुंचे, तो देखा स्कूल की तीसरी मंजिल पर विजय की लाश पड़ी हुई है। वो स्कूल इंसानी बच्चों का स्कूल नहीं, बल्कि रूहों का स्कूल बन चुका है, जहां भूत प्रेत ही रहते हैं। इस कारण वहां के स्थानीय लोग उस स्कूल को मुर्दों का स्कूल के नाम से पुकारने लगे। मदन और उसकी पत्नी शोभा
शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को नहीं जानते थे। शोभा परेशान थी कि शहर में तो आ गए हैं लेकिन यहाँ हम किसी को नहीं जानते, कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। ये कहते हुए वो दोनों रोड पे आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे कि अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं देखा। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, शहर में पहले आपको नहीं देखा, लगता है नए आए हैं। जी हाँ, हम इस शहर में नए हैं, यहाँ हम किसी को नहीं जानते, शोभा और मदन ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया, जी मेरा नाम रफीक है और मैं पास ही की बस्ती में रहता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वो शोभा की तरफ एक तक देखे ही जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को पूछता तक नहीं। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो अच्छा हुआ इंतजाम हो गया घर का, अब आराम से घर खोजेंगे, कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ, कहते हुए रफीक शोभा की तरफ घूरती हुई नज़रों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही है, हम कहीं और चल कर रहते हैं, एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है उसका एहसान मानने के बजाय तुम उस पर शक कर रही हो, मदन झुलझुलाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही रफीक की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी और मदन था कि रफीक के गुड़ गाते थक ही नहीं रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज़ महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज़ को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकीली चीज़ महसूस होने लगी। अब शोभा की आंखें खुली, उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था जो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे ही घूरे जा रही थी। ये देख शोभा डर से थर थर कांपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुन मदन की नींद खुल गई। मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं और यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं माने, कहते हुए शोभा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम से ही आपके चीखने की आवाज़ सुनी थी, तभी मैं दौड़ के आपकी तरफ आया, रफीक ने कहा। शोभा इतनी डर चुकी थी कि वो अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सुबह हो गई, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ, उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए रफीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, तुम कह रही थी ना यहाँ से चलने के लिए, चलो आओ मेरे साथ, आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हाँ
अपने गहने भी ले आना साथ में। शोभा अध जगी अध सोई सी उसके पीछे पीछे चल दी, मानो शोभा को अपनी सुध ही ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पर बैठ गई और उस आवाज ने शोभा से कहा, शोभा मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई तो मदन ने देखा शोभा अपने बिस्तर पर नहीं थी और ना ही रफीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसा देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसको ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफीक को जानते हैं और उसी के घर में रह रहे थे। कहते हुए मदन ने जहाँ रफीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बुजुर्ग बोला, बेटा जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो कि वहाँ किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहाँ दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर तो मदन के जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। अब वो गांव वालों से वो सारी बातें बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफीक से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या घर की छतों पर भी देखा किसी ने? फिर सभी अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपनी छत से आवाज़ लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े, साथ में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाके देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश ही उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लाने गए हैं और मुझे यहाँ बैठने को कह गए, और मैं अपने सारे गहने भी लाई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था, ना ही सीढ़ी थी और ना ही और कोई रास्ता था। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी के साथ एक और खौफनाक कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।